अमरीकी सफीर उत्तर सिंध के दौरे दौरान खुराक की खोट की हंगामी सूरत हाल दां ध्यान छिको। तालीम सेहत पानी की फरहमी के शोबन में अमरीकी दावन के भी उजागर किया। अमरीकी सफीर डोनल्ड ब्लूम 10 का 11 अक्टूबर ताई सिंध जो दौरों किया। सफीर पारा सिंध में चौथों भेरों दौरों कर इन गाल की शाहिदी है तो अमरीका पाकिस्तान में गरीब तरीन सब का मुतासर इलाक की बहाली तोड़े नए सर अदावत दौरान मदद लाए अना भी चाखोड़े रो है। अमरीकी सफीर पेंे दौरे दौरान सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम तहत जैकबाबाद लग गोठ आदम खान पवहर में तामीर करायल 100 स्कूल जो इफ्तिताह किया। आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी यूएसएड की माली सहायता से तामीर थींदर 106 स्कूलों जो इमारतों माहौल दोस्त हुजण सां गड खराब मौसमी हालतों में महफूज रहने की सघ रखन थियूं। इन्हन स्कूलों में ईंदड़ साल 2024 का 80,000 छोकरन छोकरिन की तालीम दिनी वेंदी। सिंध की तरक्की रिथाबंदी वे खाते से 3,60,00,000 डॉलर्स के मुहिदे के कर अज जैकमाबाद के 3,00,000 आबादी के साफ पानी की फरहमी गंदे पानी के निकाल सेहत की हिफाजत जो खिदमतू बेहतर थियन जद गंद कचरो सुठे नमूने मेरण पानी की सफाई फरहमी जो निजाम लगाण शहर में गदले पानी के निकाल के निजाम में बेहतरी भी उन प्रोग्राम में शामिल है। अमरीकी सफीर पेंे दौरे दौरान म्युनसिपल सर्विसिस प्रोग्राम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो भी दौरों को जो साल 2020 में मुकमल थो। यो प्लांट यूएसएड की माली सहायता से पानी की सफाई फरहमी बाबत 2,44,00,000 डॉलर्स वे मनसूबे जो हिस्सों है। अमरीकी सफीर डोनल्ड ब्लूम खैरपुर में बुनियादी सेहत मरकज जो भी दौरों को पाकिस्तान में शदीद गिजाई खोट की हालतों दौरान वक्तायती इमदाद लाए बुनियादी किरदार अदा कर रो है जद सिंध के बोझ सचियल जिलन में सेहत के नतीजन जिंदगी के बेहतर बनाने लाए भी खिदमतू सरंजाम दे रो है। सखर में सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन की ऑफिस में दाइन से मुलाकात दौरान अमरीकी सफीर संदन गैरमामूली कम की सराह कई। इनको त दाइन की बेहतरीन खिदमतों के कर ताजन जावल बार की फौतगिन व्यम दौरान मौत की शरह में घटाई अची रही है। उन मौके से अमरीकी सफीर मायरों की सेहत जो जरूरतों पूरी कर औजार किट्स अतीय तौर दिनों जिनके सिंध में 100 दाइन से बधल व्यम घर कायम कर कदम आंदो वो। अमरीकी सफीर चवे तो पाकिस्तान में साल 2022 दौरान बोध की तबाही के एक साल गुजरी चुको पर लखे पाकिस्तानियों के अना भी तकड़ी इमदाद की जरूरत है। यूनिसेफ की रिपोर्ट मुताबिक 15 लख का वधिक बारन के जिंदगी बचाइंदड़ खुराक की फरहमी की अशद जरूरत है। बोडन मुखिया बुनियादी ढांचे के तबाह कर छो है जैमें 30,000 स्कूल 2,000 सेहत मरकज पानी फरहमी के 4,300 वसीला भी शामिल हैं। डोनल्ड ब्लूम जो वधिक चवण है तो अमरीका पाकिस्तान के लखे मानों से गड बीठल है जे बोड का बीहर तामीर बहाली ला जिदोजहद कर रहा है। इनमें शुरुआती तौर गिजाई खोट के मुंह दियण मजबूत तालीमी सहूलतों की तामीर साफ पानी सफाई की रसाई के बेहतर बनाण औरतन के बार बेहतर सेहत की सहूलतों के यकीनी बनाने लाए असू कोशिशों शामिल हैं। याद रहे तो साल 2022 का वी हेल अमरीकी हुकूमत बोर का इमदादी आफतों के मुंह दियण की सलाहियत बढ़ाण फूड सिक्योरिटी के बेहतर बनाण खुराक की शदीद खोट के मुंह दियण लाए 2,15,00,000 डॉलर्स की इमदाद दिनी है। लाकाणे में गोसिया जमायत तरफा